ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ୟାଭିଲିଅନରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସାଇକଲ। ଏ ସାଇକଲକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସିଧା ଚିତ୍ର ଡିସପ୍ଲେର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପେଡେଲ ଯଦି ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ କରିବି ତେଣେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆସୁଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ପଲିସି ହେଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଝା ଜୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ। ସାର୍ ଡିଜିଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମେ ବହୁତ କାମ କିଏ ହେ ଭାରତ ସରକାର ୟହାଁ ପେ କ୍ୟା ଶୋ କେ କରନା ଚାହତେ ହୈଁ ଆପ ୟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମେ। ମୈଁ ଆପ ସବ ଲୋଗୋଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରତା ହୁଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜୋନ ମେ, ଜିସକେ ଅନ୍ଦର ମେ ୟେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ନି କା ପେଭିଲିୟନ ଲଗାୟା ଗୟା ହୈ। ୟହାଁ ପେ ସାଇକିଲ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆପକୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେ ଜାନକାରିୟାଁ ମିଲେଙ୍ଗି। ଔର ୟହାଁ ପେ ଜୋ ଆପ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖ ରହେ ହୈଁ ୟେ ସେନ୍ସର ବେସ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ ହୈ। ଜୈସେ ଜୈସେ ଆପ ସାଇକିଲ ଚଲାତେ ହୈଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ବହୁତ ସାରେ ଜୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ହୈଁ और जिस हिसाब से लोगों को लाभान्वित किया गया है उसके बारे में जानकारियां मिलती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने आधार के बारे में देखा था कि 138 करोड़ जनता को आधार दिया गया और जिसके माध्यम से वे ऑथेंटिकेशन कर पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि MyGov स्कीम आपके सामने आ रही है। MyGov दुनिया का सबसे बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। करीब 3.5 करोड़ जनता इसके ऊपर में है और वो कंट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम पे। हम अब अगला पड़ाव पे चलते हैं, ये डिजी लॉकर है। ये फिर दुनिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि आम जनता को अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट रखने में मदद करता है। 600 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट इस पर उपलब्ध है। आगे चलते हैं हम, ये सॉयल हेल्थ कार्ड है जो कि हमारे किसान भाइयों को मदद करता है, उनको एडवाइस देता है कि किस तरह का क्रॉप उगाएं, किस तरह का पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वो यूज करें। आगे अगला पड़ाव जो है UPI है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। 10 बिलियन करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हर महीना होता है, मतलब हर दिन 30 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन इसके माध्यम से होता है। अब अगला पड़ाव पे हम चलते हैं। अगला पड़ाव जो है वो हमारा दीक्षा है। दीक्षा जो है वो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि करीब 17 करोड़ बच्चे जो है इसका लाभ उठा चुके हैं। उमंग है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये जो है भारत सरकार की सारी सुविधाएं जो है एक मोबाइल ऐप के माध्यम से देती है। अगला पड़ाव जो है ई संजीवनी है। ई संजीवनी का एक स्टॉल भी हम लोगों ने रखा हुआ है जो कि आपको हेल्थ केयर कहीं भी किसी भी टाइम प्रोवाइड करती है। अगला पड़ाव ONDC है जो कि डिजिटल कॉमर्स के लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम है। अगला पड़ाव जो है वो हमारा भाषणी है। जैसे कि आप जानते हैं भारत जो है काफ़ी धनी है लैंग्वेज के मायने में, लेकिन एक लोग को दूसरे लोगों से बातचीत करने में दिक्कत हो सकती है, भाषा बाधा ना बन जाए, लैंग्वेज पॉल्यूशन है, हाँ उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने भाषण लेके आए हैं। फास्टैग पूरा भारत इससे लाभान्वित है। अब टोल पे जाके रुकने की जरूरत नहीं है, आप टोल से सीधे पार कर सकते हैं, पेमेंट अपने आप हो जाएगा। अगला जो है स्मार्ट सिटी है। 100 से ज्यादा सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लागू किए गए हैं। करीब 8000 प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है। अगला पड़ाव जो है वो GSTN है, वन नेशन वन टैक्स प्लेटफॉर्म है ये। इसके माध्यम से 1.5 करोड़ लोग जो हैं टैक्स दे रहे हैं और करीब 745 बिलियन से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन इसके माध्यम से हुआ है। अगला पड़ाव जो है कोविन है। कोविन जो है कोविड के लिए कोविन बनाया गया था। करीब 220 करोड़ कोविड के वैक्सीनेशन जो है दिए गए थे इसके माध्यम से 110 करोड़ जनता के बीच में। अगला जो पड़ाव है वो हमारा जनधन योजना है। इसके माध्यम से उन लोगों को सहूलियत दी गई थी जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे और आप देख सकते हैं कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसके माध्यम से बैंक अकाउंट दिया गया। अगला पड़ाव जो है वो हमारा PMJAY है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये भी जो है हेल्थ केयर इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से हेल्थ ID करीब 440 मिलियन लोगों को दिया गया था और इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि भारत में एक बहुत बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है। अगला पड़ाव जो है PM गति शक्ति है। PM गति शक्ति के माध्यम से GIS बेस्ड मतलब स्पेशियल बेस्ड ये सॉल्यूशन है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एयरपोर्ट सब लोग मिल के काम करते हैं और भारत के लेवल पे
जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका मॉनिटरिंग इससे किया जाता है। टोटल कहा जाए तो कितने से पॉलिसी आप यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल भारत के अंदर पूरे भारत सरकार, पूरी राज्य सरकारें सब लोग मिलके कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 20 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ दर्शित किया है और यहाँ पे 7 एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर आप जाके महसूस कर सकते हैं, सिर्फ जानकारी नहीं, जानकारी से आगे का महसूस कर सकते हैं कि आम आदमी की जिंदगी में वो सारे स्कीम्स जो हैं कैसे लाभ दे रही है, कैसे उनके जीवन को स्तर को आगे बढ़ा रही है। और ये आगे जो है हम कॉमन सर्विस सेंटर पे पहुंच रहे हैं, ये उस इलाके में काम करती है जहां पे इंटरनेट या मोबाइल की कोई भी असुविधा है या लोगों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं है, वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर वो जा सकते हैं, उनके घर के बगल में उनके गांव में है और वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 400 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस वहां प्रेजेंट हैं। थोड़ा सा चलाइएगा और आप आखिरी पड़ाव पे पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे कोशिश ये किया गया है कि डिजिटल इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए और साथ ही साथ हेल्थ भी उनका बने और उनको वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाए। और इस तरह आपने अपना जर्नी कंप्लीट किया और अब आप देख सकते हैं कि आपने कितना कैलोरी बर्न किया है यहाँ पे। अभी आने वाला है, देखुले ये आम डिजिटल इंडिया यात्रा करूलु पाखापाखी 20 पॉलिसी भारत सरकार से शो केस कर ब्रह्मानंद झा सार जी रही थे आमको पूरा डिटेल भाव में तथ्य दौले जो मैंने फॉरेनर्स रो गणमाध्यम प्रतिनिधि हूँ जातीय अंतर्जातीय समस्ते ये आसीपर ये हूँ डिजिटल इंडिया साइकल। ये साइकल को आपड़ पेडलिंग कले जमी आप देखी आप पेडलिंग जिते करेंगे सेत गुड़े पॉलिसी से आपको शो कैस हम पाखापाखि 20 पॉलिसी डिजिटल इंडिया फास्टैग को लेकिन दीक्षा पर्यटन एमती कौन सी पॉलिसी ना जो पॉलिसी को शो कैस कर कोविड समय कोई आप कथ कहतु स्टार्टअप कथ कहतु कमन सर्विस सेंटर कथा कहतु डिजिटल इंडिया मूवमेंट कथा कहतु स्मार्ट सिटी कथा कहतु सब प्रोजेक्ट को जोटा कि भारत डिजिटल इंडिया को आगे नापी सहायक होती जहाद्वारा लोक मैंने प्रभावित होती लोकों जीवनशैली बदली भारत जी आप कहे चित्र बदली विश्व दरबार में से समस्त तथ्य से समस्त पॉलिसी को ये उपस्थापन कराई समस्त यही जगह को आसिले ही इनफर्मेसन पाइपर कैमेरा पर्सन आदित्य सहित गगन रश न्यूज़।